तो हम इस चैप्टर को यूज़ करने के लिए कौन से कंसेप्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम देखो इसमें मेथड्स बहुत सारे होते हैं, हम कंसेप्ट यानी मेथड कौन से यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मेथड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या है? तो देखो ऐसा है कि करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि एक हमारा तरीका होता है जिसमें हम यूनिट्स मान लेते हैं, है ना, कि कितने यूनिट्स वर्क है, इसको हम एलसीएम लेके डिराइव करते हैं, ठीक है। या फिर एक और मेथड होता है एफिशिएंसी का, जिसमें हम कुछ एफिशिएंसी एज्यूम करते हैं कि इस एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा, और कुछ एक एफिशिएंसी वाला मेथड होता है। जनरली दुनिया यही दोनों मेथड से करती है, लेकिन हम लोग एक तीसरे मेथड से करेंगे जो कि है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मेथड। मेरी रिकमेंडेशन अगेन यही है कि आप लोगों में से जो लोग इन मेथड से करते हैं, चाहे आप यूनिट मेथड से करो, चाहे आप एफिशिएंसी मेथड से करो, दिया हो जाए, आप इन वीडियोस के लिए, है ना, बी बोर्ड से पढ़ते टाइम अभी आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मेथड यूज़ करो, और आप चाहे तो क्वेश्चन अपने तरीके से भी लगा लेना, और आप लोगों को फिर आइडिया हो जाएगा कि बेटर मेथड कौन सा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये बेटर है, ये गंदा मेथड है। आप ऐसे मान लो कि जब मेरी रैंक 1 आई थी SBI PO प्री में, तब मैंने एफिशिएंसी मेथड से ही क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और LCM मेथड भी मैं कभी कभी यूज़ करता था, लेकिन मेहनत के बाद हमने ये मेथड बनाया है, और आप लोग एक बार ट्राई कर लो। तो ये मेथड अब वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको तीन फॉर्मूले आने चाहिए इसके लिए, एक है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूसरा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और तीसरा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो मैं आपको ये चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि फिर हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें भी जो एक फार्मूला हम हमेशा यूज़ करेंगे वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अगर आप ये वाला फार्मूला अच्छे से जानते हो तो फिर आपको बाकी फॉर्मूला जरूरत नहीं है। तो बिना इस फार्मूले के अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये वाला कंसेप्ट जो है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कुछ क्वेश्चंस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम मैक्सिमम मतलब 90% क्वेश्चंस करेंगे इस मेथड से, 10% क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से, और इस मेथड से हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आप चाहे तो देखो सारे क्वेश्चंस भी इस मेथड से कर सकते हो ना, तो बात वो नहीं है, बट हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा है। तो इसमें हमको कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है, चलो अभी वो देखते हैं, है ना। तो अपन को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब टाइम ही होता है। तो जैसे वर्क वाले क्वेश्चंस में दिया हो कि कोई आराम किसी काम को 8 दिन में करता है, तो वहाँ पे टाइम क्या 8 दिन दिया है, तो वही यहाँ पे टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का टाइम, और वर्क वाले क्वेश्चन में टाइम एक ही चीज़ है। स्पीड क्या होती है, तो जो आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में आप जैसे आपको स्पीड से लगता है वही इसमें भी स्पीड होती है। जैसे कि कोई गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है मतलब वो जल्दी काम खत्म या जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसी तरह अगर किसी आदमी की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी काम खत्म कर लेगा, ठीक है। अलादीन की स्पीड अपन बोलेंगे ए से, भीम की स्पीड क्या हो जाएगी बी, चिंटू की स्पीड क्या हो जाएगी सी, है ना, और डोरी की स्पीड क्या हो जाएगी डी। मैं बोलूँ कि एक आदमी की स्पीड क्या है, तो आप बोलो मैन लिखा है तो एम लिख दो। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक विमेन है उसकी स्पीड, तो आप बोल दोगे डब्ल्यू। मैं बोलूँगा एक चाइल्ड है तो उसकी स्पीड सी, मतलब जो भी पहला लेटर है वही आप लिख देते हैं। जैसे आपका नाम जो इसे, मेरा नाम शुभम है, तो मेरी स्पीड अपन बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें कंसेप्ट ये जानना है कि एक आदमी की स्पीड हमने एम ली है ना, तो एन आदमियों की स्पीड क्या हो जाएगी, एन एम हो जाएगी, ठीक है। एन आदमियों की स्पीड एन एम, तो जैसे कि मैं बोलूँ कि एक आदमी की स्पीड एम है, तो तीन आदमियों की स्पीड क्या होगी, 3M, है ना। मैं बोलूँ कि अगर एक आदमी की स्पीड एम है और एक औरत की स्पीड है डब्ल्यू, विमेन की, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, एम प्लस डब्ल्यू। मैं बोलूँ 5 मैन और 6 औरत मतलब 6 विमेन साथ में काम कर रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 5M + 6W। क्लियर हो रहा है ना। मैं बोलूँ एक आदमी, तो आदमी की स्पीड अपन ने एम लिखी, और मैंने बोला एक चाइल्ड तो आपने सी लिखी, और मैंने बोला एक विमेन, ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो नेट स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, M + C + W, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो अब इसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन इन 6 डेज। तो मैंने क्वेश्चन का एक पार्ट ही बस लिखा है, तो इसको ये पढ़ते साथ ही हमें लिखना चालू कर देना है, है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कंसेप्ट वीडियोस में बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक लाइन पढ़ी
और उसको तुरंत कुछ तो स्क्रिबल कर लिया कॉपी में, है ना, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। और माइंड मैपिंग की टेक्निक मैं आप लोगों को अलग से कंसेप्ट वीडियोस में भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप अलग से टेक्निक देख सकते हो, बाकी खुद से यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर भी सकते हो। तो ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन इन 6 डेज, मतलब आपको ऐसे सोचना है कि ए जो है किसी डिस्टेंस को 6 दिन में कवर कर लेता है, ठीक है। तो ए की स्पीड अपन क्या लिखेंगे, ए की स्पीड, ए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमको 1 ले लेना है, टाइम क्या दी हुई है 6 डेज, तो 6, ठीक है। तो एक तरीके से हम हर क्वेश्चन में, मतलब 90% क्वेश्चन में हम जो है डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ही हमारी वर्क के इक्वल है और इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, 90% क्वेश्चंस में हम ऐसा करेंगे। तो हम ए की स्पीड लिख रहे हैं और ए की स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पूरा डिस्टेंस चल रहा है, मतलब 1 किलोमीटर चल रहा है, मतलब पूरा काम खत्म कर रहा है, तो पूरा काम वो 6 दिनों में करता है, तो उसकी हम स्पीड लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/6। अब जैसे अगला लिखा है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन इन 6 डेज, तो हमको तुरंत लिख देना है ए इज इक्वल टू 1/6, ए की स्पीड 1/6 है। अब ये बोल रहा है हाउ मच वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 18 डेज, तो 18 दिन में कितना काम होगा, है ना, तो 18 दिन है, यहाँ पे अपन का टाइम क्या है 6 है और डिस्टेंस है 1, है ना, तो हमको करना क्या है, हमको टाइम में 18 चाहिए, तो टाइम में 18 आप कैसे ला सकते हो, है ना, तो टाइम में 18 आप ऐसे ला सकते हो कि आप नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और आप लोग को ये रेशियो में पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/18, है ना, इसका मतलब 18 दिनों में वो जो है 3 गुना काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 गुना काम, तो वो जितना भी काम 6 दिन में करता है उससे 3 गुना काम वो 18 दिन में कर लेगा, ठीक है। आप इसको मेहनत से भी निकाल सकते थे कि आपकी स्पीड क्या आ गई थी 1/6 आ गई थी और आपको टाइम कितना दिया हुआ है 18 डेज दिया हुआ है, अब पूछ रहे हैं कितना काम ख़त्म होगा, कितना काम खत्म होगा मतलब कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1/6, टाइम है 18, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 3, है ना, इसका मतलब 3 गुना काम ये लोग खत्म, ए जो है ख़त्म कर देगा 18 दिनों में। और कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, जो तीसरा मेथड है हमारा वो कॉमन सेंस वाला होगा कि भाई ए जो है वो 6 दिन में 1 किलोमीटर चलता है, तो ए जो है वो 18 दिनों में 3 किलोमीटर चल देगा ना, है ना, कॉमन सेंस से आ गया। तो आप लोग को जो भी पसंद आए, मैं क्या रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ये वाला अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कि आप कॉमन सेंस लगा के ऐसे कर सको, कॉमन सेंस से डिफिकल्ट पड़ जाएगा। और ये वाला मेथड जैसे मैंने बताया था कि ये उतना बेटर नहीं है, हमेशा अपन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में ही वैल्यूज़ को रख के आंसर निकाल लेंगे,